गुरु कृपा कैसे काम करती है उसके लिए फरियाद की तो आवश्यकता ही नहीं होती आप केवल गुरु की कृपा को उसमें मत देखिएगा कि आप कहीं काम करने गए और आपके काम होने लग गए आप कहीं गए और आपको प्रेरणा हो गई कि आपको ये करना चाहिए और आपने वैसा कर लिया आपका काम बन गया आप इंटरव्यू देने गए आप उसमें पास हो गए तो गुरु की कृपा है पर अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए और उस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो भी गुरु की कृपा है क्योंकि वो आपसे जमने वाला था ही नहीं उसके पहले ही इंट्यूशन उसको ही हो गया रिजेक्ट कर दे ये भी गुरु की कृपा है तो किसी में फरियाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ और ये ऐसा कैसे हुआ कहीं ना कहीं वो आपको बचाना चाहता है इसीलिए वो वैसी कृपा कर देता है और कहीं ना कहीं लगाना चाहता है तभी वो वैसी कृपा कर देता है ईश्वर की कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता गुरु की कृपा अनंत होती है वो कैसे कब किस वक्त कैसे किस समय पे बरसती है बरसना उसका काम है और परीक्षा लेना भी उसका काम है अगर हम पक्के और सच्चे हैं तो परीक्षा में पास भी वही करती है हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होती प्रेंगा। 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 बस हमारी भावना केवल होते रहनी चाहिए हमारी भावना उच्च रहनी चाहिए बाकी का काम तो आप छोड़ दीजिए एक छोटे से बच्चे को क्या वो माँ से कहता है क्या माँ मुझे दूध पिला मुझे भूख लगी है माँ मेरे शत्रु आ रहे हैं मेरी रक्षा कर देख ये फलाना ना मुझे मारने के उद्देश्य से रहा मा, माँ 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 मुझे पल्लू में छुपा ले कभी कभी किसी बच्चे को बोलते हुए देखा किसी बच्चे को बोलते हुए देखा है आपने कौन से बच्चे को आपके बच्चे बोले थे कि आपने पैदा किए होंगे ना आप बोले थे क्या खुद जब छोटे थे तब आपके दुश्मन भी होंगे घर में ऐसा नहीं कि नहीं होंगे दुश्मनों में केवल इंसान नहीं कुत्ते भेड़िए चुड़ैल वुड़ैल जो बच्चों को लग जाती है भूते, प्रेते, कहते हैं बच्चों को जल्दी लग जाती है सुना है मैंने ये भी आपके दुश्मनों में आते हैं फिर क्या आपने बोला मां ने आपकी बात सुन ली और मां ने सोचा हां बेटा कुत्ता आ रहा है देखो अच्छा हुआ तूने मुझे बताया मुझे पता कैसे चलता कभी किसी मां ने ऐसा कहते हुए नहीं सुना ना किसी बच्चे ने मां को कहते हुए सुना ठीक है ठीक फिर भी बिना बोले उसकी व्यवस्था करती है और आपको इतना बड़ा कर देती है ठीक है गुरु की कृपा को क्या समझते हैं आप? आपके बिना बोले क्या वो व्यवस्था नहीं करती इसमें कोई माल ही नहीं दम ही नहीं है इस बात आप केवल गुरु की कृपा के आश्रित रहकर देखिए वो हर पल आपको संभालती है हर पल उस मां से भी ज्यादा ताकत अगर किसी की सुरक्षा के कवच में है तो वो गुरु की कृपा के कवच में है ताली जोर से बजनी चाहिए